सवाल ये है कि पूरा देश में अगर रविवार रविवार को छुट्टी हो रहा तो आप लोगों को ही शुक्रवार को क्यों? देखिए शुक्रवार को इसलिए छुट्टी कि शुक्रवार का जो क्लास इस प्रकार से अगर हम लोग देश में स्कूल का भी बंटवारा करेंगे तो देश एक 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 रूप में एक रूपता में कैसे आएगा? नहीं नहीं ये तो बांटने की बात नहीं हो। इस चीज़ का ज्ञापन सौंपा आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि जो भी उर्दू मध्य विद्यालय स्कूल जो चल रहा था मानगो क्षेत्र में या पूरे झारखंड में शिक्षा विभाग के तरफ से उसे गैर उर्दू स्कूल बोलकर और उसका उर्दू शब्द को मिटाया जा रहा बोर्ड से, और शुक्रवार की जो छुट्टी होती थी उस छुट्टी को ख़त्म करके रविवार की छुट्टी करी जा रही है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का भी इसमें बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है। जबकि ये स्कूल 2000 से जब से झारखंड अलग हुई है बिहार से तब से ये स्कूल चला आ रहा है और यहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, और ये उर्दू स्कूल जो चल रही है मुस्लिम बॉल एरिया में है और 100% जो छात्र है सबके सब मुस्लिम है, तो क्यों शुक्रवार की छुट्टी रद्द की जा रही है रविवार को कहा जा रहा है? हम इसकी मांग करते हैं कि फिर से बहाल किया जाए जैसे पहले चल रहा था, शुक्रवार की छुट्टी हो और उर्दू शब्द को हटाया गया फिर से उसको लिखा जाए। हमारी मांग है हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से, सवाल है कि जांच कराए, जांच करके फिर से इसे बहाल किया जाए। सवाल ये है कि पूरा देश में अगर रविवार को छुट्टी हो रहा तो आप लोगों को ही शुक्रवार को क्यों? देखिए शुक्रवार को इसलिए छुट्टी कि शुक्रवार का जो क्लास का टाइम होता है उस समय से मुस्लिम बच्चे का नमाज का टाइम होता है, और ये आज नया नहीं चल रहा है। उर्दू भाषा जो है राष्ट्र का हमारे हिंदुस्तान का सेकंड लैंग्वेज है, और झारखंड में 2007 में इसको थर्ड भाषा का प्रमाण दिया गया है थर्ड लैंग्वेज में झारखंड राज्य में। तो फिर जब अलग सिस्टम बनाया गया और उर्दू स्कूल बनाया गया, उर्दू बोर्ड बनाया गया है, तो जिस तरह से आज एक ज़माने से आज हम लोग 2500-300 साल से जो हम स्कूल में पढ़ रहे तब से शुक्रवार की ही छुट्टी है, तो आज ये नया कानून क्यों लाया जा रहा है? क्या हेमंत सोरेन भी भाजपा की नीति पे चल रही है क्या? क्यों मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? ये हमें टारगेट किया जा रहा है कि आप परेशान हो जाओ और कुछ गलत काम करो जिससे अब सरकार प्रशासन तो लगी है हमारे पीछे कि उठाएंगे जेल में डाल देंगे, हमारी नौकरी रद्द कर दी जाएगी। आपका परिचय? मैं अब्दुल जावेद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष युवा। रविवार को ही क्यों छुट्टी चाहिए? देखिए रविवार को इसलिए छुट्टी चाहिए कि जुमा का दिन हमेशा शुरू से आज से 30-35 साल से ही ये चले आ रही थी, जिसके कारण से रविवार को बहुत सारे बच्चे हैं जो नमाज़ पढ़ने जाती हैं, 5 वक्त को नहीं पढ़ पाते हैं तो जिसके कारण से कम जुमा का दिन नमाज़ वो पढ़ लेते हैं। इसके लिए ये सदियों से चले आ रही है, आज से नहीं, आज को नया तो नहीं है कि आज हम लोग नया आवाज़ उठा रहे हैं। जुमा का दिन नमाज़ पढ़ते हैं 2 रिकात कम से कम, इसलिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि जो बच्चे लोग 5 वक्त नमाज़ नहीं पढ़ पाते कम से कम 2 वक्त का नमाज़ पढ़ ले। देश में कम से कम 6-7 धर्मों के लोग निवास करते हैं, अगर सभी कोई अपना अपना छुट्टी मांगने लगे तो कैसे चलेगा? नहीं ये बात तो हम नहीं कह रहे हैं कि सभी का, देखिए बहुत से लोग हैं जो मंगल का दिन भी छुट्टी करते हैं, जिस दिन भगवान गणेश इसका क्या बोलते हैं हनुमान जी का पूजा होता है मंगल का दिन, तो उस दिन भी लोग छुट्टी करते हैं, गैरेज सब भी मंगल का दिन बंद रहती है, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे दुकानें भी बंद रहती हैं मंगल का दिन, और संडे का दिन भी सरकारी छुट्टी है ना, तो सभी लोग अपने अपने नियम कानून से अपने अपने धर्म से ये होकर वो छुट्टी करते हैं, तो मुसलमानों का भी एक है कि जुमा के दिन कम से कम उस बच्चे लोग का नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए। इस प्रकार से अगर शिक्षा अलग अलग होगा तो फिर शिक्षा का महत्व क्या रह जाएगा? नहीं तो पूरे हिंदुस्तान की तो बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा आबादी है, जहाँ मुसलमानी बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं उस जगह की हम बात कर रही हैं, जैसे आज़ाद बस्ती में बहुत सारे स्कूल ऐसी है कि सिर्फ वहाँ मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग देश में स्कूल का भी बंटवारा करेंगे तो देश एक 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 रूप में एक रूपता में कैसे आएगा? नहीं नहीं ये तो बांटने की बात नहीं हो रही है, तो ये इसको बांटने की कहाँ से बात हो गई कि हिंदुस्तान में किसी को धर्म के नाम से बांटा जाए, ये तो सरकार कर रही है, ये तो सदियों से चले आ रही थी ना,
आज तो कोई नया तो नहीं ना इस मामला को, उर्दू लफ्ज़ को, उर्दू लिखावट को जो मिटाया जा रहा, तो ये आज नया तो नहीं, ये तो नया काम ना है, पहले तो नहीं किया गया इस चीज़ को, आज क्यों किया जा रहा है? सरकार को क्या मांग सौंपे हैं? मांग यही सौंपे हैं जो सदियों से चले आ रही है उसको कायम करें। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ MIM का।